कोटा से, जहां पर आरएस केसरलाल मीणा हिंदू धर्म अपमान मामला जो है सामने आया है। ब्राह्मण कल्याण परिषद ने प्रदर्शन किया, इसी पूरे मामले को लेकर संभागीय आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। आरएस केसरलाल मीणा का पुतला जलाया गया, धर्म विरोधी अधिकारी को आपको बता दें कि बर्खास्त करने की मांग यहां पर लगातार की जा रही है। आरएस मीणा ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था, व्हाट्सएप पर आपको बता दें कि पोस्ट वायरल हुई थी। पोस्ट वायरल होने के बाद यहां पर किस तरीके से आरएस केसर मीणा का पुतला फूंका गया, किस तरीके से यहां पर हिंदू संगठन के लोग जो है एकत्रित हुए और आरएस केसर मीणा को लेकर उन्होंने आपत्ति अपनी जाहिर की है, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन अपना उन्होंने किया है। और आपको बता दें कि आरएस केसर मीणा की जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और पोस्ट के वायरल होने के बाद यहाँ पर हिंदू धर्म का अपमान करने का मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ दिखा और यहाँ पर तो इस बीच हमारे सहयोगी कोटा से राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं खबर पर अधिक जानकारियों के साथ, उनका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, सबसे पहले जानकारी आपसे यहां पर ये लेना चाहेंगे कि आरएस केसर मीणा ने क्या आपत्तिजनक पोस्ट की थी जिसको लेकर विरोध का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए केसर सिंह केसरलाल मीणा की, तो उन्होंने किसी ग्रुप पर हिंदू समाज के लिए और हिंदू देवी देवताओं के लिए अभद्र टिप्पणी यहाँ पर की है और उन्होंने जब पूछा गया इस पूरे मामले को लेकर, तो मैं किसी और ग्रुप में इस मामले को डाल रहा था मगर ये गलती से पोस्ट हो गया। उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी है। मगर अगर आज बात की जाए कोटा के हिंदू संगठनों की और विश्व हिंदू परिषद और ब्राह्मण कल्याण परिषद ने संभागीय आयुक्त कार्यालय पर सभी लोग एकत्रित हुए और लगातार जो संभागीय आयुक्त कार्यालय पर एकत्रित तो होकर जो आरएस अधिकारी हैं केसरलाल मीणा उनके निलंबन की मांग जताई और साथ में ही उनका पुतला जलाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म विरोधी जो अधिकारी है उसको बर्खास्त करने की मांग यहां पर की गई। जी राजेंद्र, जानकारी आपसे यहां पर ये भी लेना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में हिंदू संगठन के जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शन तो लगातार हम देख रहे हैं। इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो पूरे मामले में लेकर हिंदू संगठन हो चाहे ब्राह्मण कल्याण परिषद हो, सभी लोगों में काफी रोष व्याप्त है। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू होकर हिंदू देवी देवताओं को अपमान करने वाले अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की यहाँ पर मांग की जा रही है और कड़ी कार्रवाई और कड़े शब्दों में यह कहा जा रहा है कि इस अधिकारी को यहाँ पर बर्खास्त किया जाए। और सोशल मीडिया पर जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग हिंदू देव देवताओं के अपमान में किया गया, ऐसे अधिकारी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि अगर ये मामले में को अगर जो अधिकारी हैं वो सही तरह से नहीं लेते हैं और अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं करते तो ब्राह्मण कल्याण परिषद लगातार इसका विरोध भी करेगा। जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी।